केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था। गडकरी ने कहा कि एक विपक्षी नेता ने उनसे संपर्क किया था। नागपुर में संबोधित कर रहे थे नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी ने इसी संबोधन के दौरान यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैंने विपक्षी नेता का ऑफर ठुकरा दिया था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरे लिए मेरी पार्टी ही सर्वोपरि है, यानी विपक्ष की तरफ से उनको ये ऑफर मिला था कि वो प्रधानमंत्री चाहे तो बन सकते हैं अगर वो विपक्ष की तरफ आ जाएं तो। लेकिन नितिन गडकरी का कहना है कि उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। I should take it.